राम राम साहब। सबसे पहले अभी जो गांव की बस्ती है, मैं नमन करता हूँ मंदिर के सामने। मैंने देखो थोड़ा कष्ट दिया है आपको, इसलिए दिया है क्योंकि मैं कहीं लंबी यात्रा पे जा रहा हूँ, और वो यात्रा कौन सी है? आत्मनिर्भर भारत यात्रा है। आत्मनिर्भर भारत का मतलब है, अब तो मैं पता तो है, प्रधानमंत्री ने चला रखा है, ठीक है। काव्या चैरिटेबल ट्रस्ट है, जो मैंने आज से 2-3 साल पहले ही बनाया था। काव्या चैरिटेबल ट्रस्ट इसलिए बनाया कि लोगों की इसके सारे सेवा हो सके, ठीक है। इसका मैं अध्यक्ष हूँ। अब मेरा जो काव्या चैरिटेबल ट्रस्ट है, वो 17-18 जिलों में हमारी 5 रुपये में 20 रुपये में भरपेट रसोई चल रही है। ऐसी रसोई चल रही है जो डेली 25-30 आदमी खाना खा रहे हैं, 5 रुपया या 20 रुपये में। मैं सेवा कर रहा हूँ, समाज सेवा कर रहा हूँ, और वो गाजियाबाद में कर रहा हूँ, बागपत में, पंजाब में, ये देखी होगी तुमने। प्लानिंग मेरी है कि गांव में जो हम लोग यहाँ पैदा हुआ हूँ, तो आने वाले समय में यहाँ विकास होना चाहिए। देखो चुनाव तुमको भी लड़ लेना है, कि चुनाव की वजह से कुछ ऐसा सोच रहे हो, क्योंकि मुझे टाइम ही ना है, क्योंकि मैं तो फंसो कहीं जाके लंबो फंसो। समझने वाली बात यह है कि मैं सिर्फ गांव की भलाई के लिए, क्योंकि मैं यहाँ पैदा हुआ हूँ। अब ये यात्रा मैं गाजियाबाद से, दिल्ली से, कहीं से भी शुरुआत कर देता, कोई बड़ी बात तो है ना, लेकिन मैं गांव से ही क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि यहाँ से मुझे जुड़ के रहना है। अब चार धाम की मैं यात्रा कर रहा हूँ, साथ में चारों धाम है, तो चारों धाम की पट्टी लानी है, चार से पाँच महीने लगेंगे। देखो फिर वाके बाद में भंडारे भी करेंगे, वो हम सब आपस में करेंगे। तो मेरा कहने का उद्देश्य ये है कि हमारे गांव में काव्या चैरिटेबल ट्रस्ट के माध्यम से, हमें कोई पैसा ना लगाना, काव्या चैरिटेबल ट्रस्ट के माध्यम से कुछ ऐसी ऐसी चीज़ें हों जो ये युवा हैं ना, जितने भी हैं, इनको कोई मार्गदर्शन ना है इनको। यही कारण है कि थोड़ा सा डिस्टर्ब है, मेहनत नहीं, इनको सुविधा ना है। सुविधा ऐसी ऐसी ना है कि कोई खेल को मैदान ना खेलने का, कोई ऐसी ऐसी चीज़ ना है। तो मेरे मन में बहुत सारी चीज़ें, तो मैं करवे पा रहा हूँ आगे, निस्वार्थ करवे पा रहा हूँ, कोई ऐसी चीज़ ना करवे पा रहा हूँ, जब से कहा कि कहीं कोई चुनाव ना लड़ना, मैं बार बार ये चीज़ें करूँगा, क्योंकि टाइम ही ना है। ऐसी चीज़ें आशीर्वाद लेने आया हूँ, जब भी मैंने घूमने करे, सुबह 20 तारीख है, सुबह 7:30-8 बजे वो आराम से गांव की गोली लगा के सबको आशीर्वाद लेके मैं पूरे भारत में गिरहरू का नाम रोशन करके आऊँगा, पूरे भारत में गिरहरू का नाम रोशन करके आऊँगा। क्योंकि मैंने गाड़ी पे ना सब जगह अखबार से लेके सब जगह गिरहरू छाप रखो है। क्यों छाप रखो है? क्योंकि वो है गांव गिरहरू को, चाहे कन्याकुमारी है, चाहे नेपाल है, नेपाल में भी जाऊँगा, सब जगह पूरे इंडिया में मैं जहाँ जहाँ जाऊँगा, कम से कम 2-5 करोड़ लोग तो पढ़ेंगे। क्यों पढ़ेंगे? क्योंकि मैंने जब दिखेगा तो पढ़ेंगे ही। कहवे को मतलब है कि गांव को नाम रोशन मैं करवे जा रहा हूँ, और यही चीज़ की मैं तुमसे आज्ञा और आशीर्वाद ले गई हूँ, तुम बुलाएं, और यही आशीर्वाद चाहिए। बाकी कोई ऐसा कोई मेरा उद्देश्य ना है, ना ही मेरा कोई ऐसा साथ, जाते तुम या हमें ऐसा लगे कि भाई तो चुनाव लड़ना है, वो कोई चुनाव ना लड़ना ना कोई समय, लेकिन आशीर्वाद जरूर दे रहा हूँ तुम्हें, ताकि मुँह में एक हिम्मत आवे, एक मजबूती आवे। क्योंकि देखो गांव बस्ती को आशीर्वाद बहुत जरूरी है, ठीक है। आगे चल के तो बहुत कुछ होगा, नहीं हो कुछ समय बता रहे, लेकिन मेरी एक हार्दिक इच्छा है कि यहाँ पे एक चार धाम को मंदिर बने, हर में बना दो, देखो लौट जाऊंगो और हर तरह से मैं चेक करूँगा, और बस आशीर्वाद जारी को निश्चित करें, और बाकी ऐसा कोई स्वार्थ ना है, ना ही ऐसा कोई उद्देश्य, बस नेहरू का नाम है तो पूरे भारत में मुए जब घूमने जा रहा हूँ चारों तरफ फैलाना है, क्योंकि मैं यहाँ से जुड़ा हुआ हूँ, जमीन से जुड़ा हुआ हूँ, यही के बारे में
इकट्ठे कर। ये कह रहे हैं कौन सी कह रही है हमारी नाली में देख ले, नाली में कोई देख लो ना। सुनो मैं बुला रहे हो ठीक है। तो बस आशीर्वाद का जो मैंने बुलाए सुबह आराम से घूमूंगो आशीर्वाद लेके 20 सितंबर कर लिए, 8 जनवरी पर हम लिख रही है लेकिन खूब बाहर तक आएंगे तो टाइम लगे 25,000 किलोमीटर है लेकिन ब्रेरू का नाम जरूर पूरे देश में नाम होगा। ये मेरी नाम हमारा ही होगा भाई। मैं चार धाम पे जा रहा हूँ तो क्यों ना बिन चार धाम में और सुनो ऐसे ना करूंगा बिन की माटी लाऊंगा वहाँ पे खोलेंगे हड़िया ले जाऊंगा बड़ी सी बाकी माटी लाऊंगा माटी पे हम लोग स्थापित करेंगे। देखो याद कहा है कि कम से कम मन में जब जाना तो हर कोई आदमी तो जाना पावे तो कम से कम यहाँ दर्शन तो बहुत बढ़िया आशीर्वाद है देख और जो कजू सहयोग गांव को हो बहुत बढ़िया सहयोग चाह भी बुजुर्ग युवा जो योगेंद्र भाई का जो कार्यक्रम है ये काफी पहले से हम देखते एक बार हम अपने विद्यालय से बच्चों को ले जा रहे थे आगरा किला दिखाने के लिए तो कलेक्टर साहब ने वो घने के आगे कौन सा पार्क है शास्त्री पार्क वहाँ नाश्ता दिया था बच्चों को दो तीन विद्यालय के तो वहाँ हमने देखा योगेंद्र को सेवा करते हुए भरपूर हमारे भजनलाल की लड़की थी बीना ये भी ठीक है मैंने कहा यही तो हमारे सुरेश कुमार है हमारे फोटो वगैरह बता लिया अच्छी तरह से अखबार हमने करवा दी तो ये ऐसे काम से पहले से ही जुड़ा हुआ है हम तो आगे से आगे उन्नति करें। एक तो सबसे पहले इसने काम में जो शुरुआत की कुटीर उद्योग की जो आप सबको मालूम है उस अब शुरुआत इसने की उससे प्रशिक्षण लेके आज कई कुटीर उद्योग चल रहे हैं क्लिनिक के सफाई के सड़क के रिजर्व रेंज के एक तो हमारे मोहल्ला में चल लो जगह को अभाव है इससे ही तो प्रशिक्षण कुमेर तक और फिर अब वहाँ तक पहुँच गया। मुझे गांव के कई बच्चों ने बताया कि हम काम करके आए मवासी के जंगलिया वगैरह बोले हम साहब योगेंद्र के वहाँ काम करके आए और भी कह रहा हूँ पर साहब ना जाए वो बने तो उसको कह भैया आगे से आगे और ये जो विचारधारा है धार्मिक भावना है चार धामों की मिट्टी आएगी या चार धामों के दर्शन भगवान देंगे बहुत अच्छी अच्छी बात है और ये जो ट्रस्ट कर रहा है इसका सही वो भाजपा की उससे हो पर ये बहुत बढ़िया योजना है और हमारे जो सनातन धर्म है उसको आगे बढ़ाने के लिए सबका सहयोग बस्ती को देखो भैया तेरह आशीर्वाद से बच्ची बहुत बढ़िया विवेक फोटो सब मिलेंगे और आगे बढ़े जी मोहन जी बहुत खुशी खुशी बाकी ऐसा कोई हमें स्वार्थ ना है बस यही है स्वार्थ कि हम जा रहे दूध
ये बोला नंबर नहीं है, ये को नंबर ना बोला। धन्यवाद।